हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को। फ्रेंड्स, गणेश जी को हम प्रथम पूज्य देव के रूप में जानते हैं और उन्हीं गणपति का जन्मदिन आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और गणेश चतुर्थी का पर्व है। इस बार हम सभी पप्पा को अपने घर लेके आएंगे और गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चलिए पहले मैं आपको पूजा के बारे में बता देता हूँ। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त है दोपहर के समय, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में ही हुआ था। इस बार पूजा का मुहूर्त दोपहर में 2 घंटे 36 मिनट का समय मिल रहा है। आप दिन में 11:06 से दोपहर 1:42 तक गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गणेश जी की स्थापना करने के लिए पहले आप मार्केट से जब भी मूर्ति लाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि गणेश जी की 22 सूंड वाली मूर्ति घर लेकर के आइए और पहले गणेश जी को अपने घर आने के लिए निमंत्रित कीजिए। फिर अपने घर के पूजा स्थान में, ब्रह्म स्थान में या फिर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में भूमि को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए गंगा जल से। आप गोबर और मिट्टी से भी लीप सकते हैं। फिर एक लकड़ी का पाटिया ले लीजिए, जैसे मैंने चौकी ली है। फिर उस पर एक लाल रंग का, हरे रंग का या नारंगी रंग का वस्त्र बिछाइए। मैंने उस पर एक नारंगी रंग का वस्त्र ओढ़ लिया है गणेश जी को स्थापित करने के लिए। आप जैसा चाहे वैसा अपने पंडाल को सजा सकते हैं। मैंने कुछ आर्टिफिशियल फूल भी यूज़ किए हैं। और फिर आप थोड़े से अक्षत ले लीजिए, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल। उन्हें आप कलर कर लीजिए, सिंपल चावल नहीं लेते पूजा में। उन्हें कलर करने के लिए आप रंगोली पाउडर, कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर हल्दी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हल्दी यूज़ की है। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर अष्टदल कमल बनाने के बाद आप उस पर अपने गणेश जी को स्थापित कीजिए। फ्रेंड्स, चावल पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पूजा में यूज़ करते हैं। ये देखिए, अब हमने अपने गणेश जी इस पर स्थापित कर दिए हैं। या ध्यान रहे कि गणेश जी की प्रतिमा वही हो जिसकी सूंड बाईं ओर को हो, यानी कि गणेश जी के लेफ्ट हैंड की साइड। ऐसी मूर्ति घर में रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके पास अगर मेटल की, पीतल आदि की मूर्ति है तो आप उसे गंगा जल या पंचामृत आदि से स्नान करा सकते हैं। या फिर जल, गंगा जल मिला के जल में थोड़ा सा दुर्वा की सहायता से उस पर जल छिड़क सकते हैं स्नान का भाव कराते हुए। जल में गंगा जल ज़रूर मिला दें। फिर उसके बाद गणेश जी को जनेऊ धारण कराएं। जनेऊ हमेशा गणेश जी के बाएं हाथ पे रख के उन्हें धारण कराया जाता है। फिर अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप गणेश जी को वस्त्र पहना सकते हैं, और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप मौली या कलावत जिसे हम कहते हैं वो लेके वस्त्र का भाव करके गणेश जी को मौली पहना सकते हैं। ये सब करने के बाद गणेश जी को आप इत्र चढ़ाएं। आप केवड़े का, चंदन का, गुलाब का या कोई भी इत्र जो आपके पास है आप वो चढ़ा सकते हैं। सुगंध अर्पित करने के बाद आपको गणेश जी को आचमन करवाना है। फ्रेंड्स, ये सब चढ़ाते हुए आपको बोलते जाना कि इत्र समर्पयामी, वस्त्र समर्पयामी, आचमने समर्पयामी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिंपल ओम श्री गणेशाय नमः या गंगणपते नमः का जप करते रहें। ये सब करने के बाद आप गणेश जी को तिलक कीजिए, रौली से, चंदन से तिलक कीजिए। गणेश जी को हल्दी चढ़ाएं और ये देखिए, आप गुलाल ज़रूर चढ़ाएं गणेश जी को। गुलाल अभी बहुत प्रिय है। ये सब चढ़ाने के बाद आप गणेश जी पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। चावल बिना टूटे हुए होने चाहिए, यानी कि अखंडित चावल लेने हैं, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। इसके बाद गणेश जी को आप हल्दी ज़रूर चढ़ाएं। हल्दी गणेश जी को बहुत प्रिय है, जिस तरीके से गणेश जी को सिंदूर प्रिय है। हल्दी चढ़ाने के बाद आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए। ऐसा कहते हैं कि गणेश जी ने सिंदूरा नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसके उपरांत गणेश जी ने उसे वरदान दिया था कि उनकी गणेश जी की पूजा में सिंदूर का हमेशा उपयोग होगा और गणेश जी को विशेष प्रिय होगा। तो इसलिए आप सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु जो कि है दुर्वा। सभी जानते हैं दुर्वा घास गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणेश जी, दुर्वा घास कभी भी गणेश जी के चरणों में नहीं चढ़ाई जाती, हमेशा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। इसलिए दुर्वा घास को गणेश जी के मस्तक पर ही चढ़ाएं। जब गणेश जी ने अर्णासुर नाम के राक्षस का वध किया था तो गणेश जी उसे निगल गए थे, जिसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी और किसी भी उपाय से वो सही नहीं हुई। तब माँ पार्वती ने उन्हें दुर्वा खिला के उनके पेट को शांत किया था। और फिर आप गणेश जी को भोग लगाएं। भोग में गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु हम जानते ही हैं, मोदक।
मोदक जरूर चढ़ाएं। अगर आपको कोरोना चल रहा है, आप मोदक वगैरह अरेंज नहीं कर सकते, तो आपने घर में जो भी मिठाई बनाई है वो जरूर चढ़ाएं। फिर गणेश जी को कुछ फल चढ़ाएं। मैंने यहाँ पे कुछ केले लिए हैं, अमरूद लिया है, और उसके बाद आप मौसमी फसल जरूर चढ़ाएं गणेश जी को। गणेश जी को फल सब्जियाँ सब कुछ पसंद है, इसलिए आप फल सब फसल जरूर चढ़ाएं। मैंने यहाँ पे भुट्टा लिया है, बरसात के मौसम में भुट्टे बहुत मिलते हैं, आप गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं। फ्रेंड्स, गणेश जी को पूजा में ज़्यादातर रेड या ग्रीन कलर की चीज़ें यूज़ करते हैं। लाल भोग में मैंने गणेश जी को चढ़ाने के लिए गुड़ लिया है थोड़ा सा, आप उन्हें गुड़ ज़रूर चढ़ाएं। गुड़ तो सभी के घर में होता है, गुड़ भी गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप उन्हें गुड़ ज़रूर चढ़ाएं। आप चाहें तो उन्हें पंचामृत चढ़ा सकते हैं या मेवे इत्यादि चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास है आप सब चढ़ाइए भक्तिभाव के साथ। फिर उसके बाद हम गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लिली के पुष्प लिए हैं और सदाबहार के पुष्प लिए हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो इस मौसम में वही पुष्प चढ़ाएं और बोले पुष्पम समर्पयामि। फिर पुष्प चढ़ाने के बाद आप गणेश जी को पत्ते चढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष पेड़ों के पत्ते गणेश जी को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि गेंदे के पत्ते या फिर आप कनेर के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर ये सब चढ़ाने के बाद आप गणेश जी को माला अर्पित करें। आपके पास जो भी माला है फूल की मोतियों की, आप वो गणेश जी को चढ़ाएं और माला चढ़ाने के बाद पूजा के अंत में गणेश जी को तांबूल यानी कि पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, जायफल, इलायची, कपूर और मिश्री रख के ज़रूर चढ़ाएं। सारा भोग लगाने के बाद गणेश जी को आचमन कराएं। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के गणेश जी को फिर आचमन कराएं। और आचमन कराने के बाद आप गणेश जी को धूप दीप दें। शुद्ध घी का दिया जला सकते हैं तो जलाइए, और अगर आपके पास शुद्ध देशी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। धूप दीप देने के बाद आप गणेश जी की आरती उतारिए। आपको जो भी आरती आती है आप वो आरती कीजिए। आप चाहें तो गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंगणपते नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, महामंत्र है, आप ये कीजिए। या फिर आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। मैं गणेश अथर्वशीर्ष की एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ये सारी पूजा संपन्न करने के बाद गणेश जी क्षमा प्रार्थना जरूर करें। हमारी पूजा में जो भी भूल चूक रह जाती है उसके लिए गणेश जी क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करते हुए आप बोलिए, आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में गणेश जी क्षमा मांगिए कि हे गणपति देव, मुझे जितना आता था मैंने भक्तिभाव से आपका पूजन किया, आप इसे स्वीकार करें और मेरे घर पर स्थापित रहें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखें। फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा में ध्यान रखें कि आप गणेश जी की मूर्ति जहां भी स्थापित करेंगे हमेशा दीवार से लगाकर ही स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति के पीछे खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं। गणेश जी की पीठ का दर्शन करना शुभ नहीं होता, इसलिए हमेशा गणेश जी की मूर्ति को दीवार से ही लगा करके रखें अपने घर में। फिर उसके बाद आप गणेश जी को सारी पूजा करने के बाद भूल चुके क्षमा मांगे दक्षिणा चढ़ाएं। जितनी भी आपकी श्रद्धा शक्ति है उतनी दक्षिणा चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से गणेश जी की मूर्ति नहीं ला पाए हैं, जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन है कई जगहों पे, कोरोना भी है, तो आप इस तरह सुपारी लेकर के उस पर थोड़ी मौली कलावा लपेट करके इस तरीके से गणेश जी बना सकते हैं। और इन गणेश जी को भी आप बिल्कुल वैसे ही चावल की ढेरी पर स्थापित कर दीजिए और इन्हीं गणपति देव का भाव करके इनकी पूजा कीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं 10 दिनों के लिए, और आप अखंड दीप भी रख सकते हैं। आप जो भी करें भक्ति भाव से करें, और यदि पूजा में कुछ भूल चूक हो जाती है या जैसे अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो वहम विचार ना करें, श्रद्धा भक्ति से दीपक को पुनः प्रज्वलित करें और अपनी पूजा करें। फ्रेंड्स, आप रोज़ हवन भी कर सकते हैं, हवन ज़रूर करें 10 दिनों तक। और ध्यान रहे, जब तक गणपति देव आपके घर में स्थापित रहेंगे आपको अपने घर को अकेला छोड़ करके नहीं जाना है,
आपको कोई भी काम पड़ता है तो या तो किसी को बोल दीजिए गणपति देव के पास रुक जाने के लिए, या फिर आप माता पार्वती को या फिर भोलेनाथ से कह दीजिए कि आप गणेश जी का ध्यान रखिए, मैं अभी अपना काम करके आता हूँ, और फिर आप अपना काम करके सीधे घर आइए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप जो भी करेंगे आपको घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश किसी की चुगली निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा विशेष ध्यान रखें कि उन्हें तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ती है, इसके पीछे की भी एक कथा है वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। इसलिए भूल कर भी गणेश जी को तुलसी दल ना चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है तो दुर्वा आप चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी आने तक आप रोज गणेश जी की पूजा करें, हवन करें, उन्हें भोग लगाएं, व्रत करें, और अनंत चतुर्दशी वाले दिन 10 दिन की स्थापना करने के बाद गणेश जी का विसर्जन कर दें किसी पवित्र सरोवर या तालाब में। गणेश जी का विसर्जन कर दें, विसर्जन के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत परेशान है अपनी लाइफ में तो उनके जरूर जरूर शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, आई लव यू ऑल, जय माता दी।